इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि IITs ने एक और बहुत बड़ी रिसर्च का खुलासा किया है, जिसके बाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है IIT मंडी की तरफ से, जहां पर IIT मंडी के रिसर्चर्स ने अब विंड टर्बाइन ब्लेड्स के ग्लास फाइबर को निकालने का एक बहुत ही आसान और नया तरीका निकाल लिया है। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और दुनिया में कम पाया जाने वाला मटेरियल है, जिसकी मदद से विंड टर्बाइन ब्लेड्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में और उनकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे ही विंड टर्बाइन ब्लेड्स एक्सपायर हो जाती हैं, इनके अंदर से इस ग्लास फाइबर को निकालना काफी ज्यादा क्रिटिकल है, जिसका सॉल्यूशन IITs की तरफ से निकाला जा चुका है। और ये आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप भी ले सकता है, क्योंकि 2024 से लेकर के 2034 के बीच में लगभग पूरी दुनिया के अंदर 2,00,000 टन से भी ज्यादा ऐसा ही कचरा प्रोड्यूस होने वाला है, जिससे बड़ी मात्रा में इस ग्लास फाइबर को निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत के अंदर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी को काफी तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, और आज के समय में भारत विंड टर्बाइन यूज करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें 31 जुलाई 2022 तक भारत के अंदर लगभग 40 गीगावाट की पवन ऊर्जा शामिल की जा चुकी थी, जहां पर विंड टर्बाइन के ब्लेड्स को पॉलीमर कंपोजिट के द्वारा तैयार किया जाता है, जो पॉलीमर सिस्टम द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनके अंदर कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर जैसे बड़े मजबूत एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, ताकि इनका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन जैसे ही ये रिटायर होते हैं, इनके अंदर से इस ग्लास फाइबर को निकालना काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन IIT की तरफ से बहुत ही सरल और आसान तरीका खोज लिया गया है, जिससे इस फाइबर को आसानी से निकाला जा सकता है और रीयूज भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लास फाइबर को निकालने की ये सबसे आसान और सबसे एडवांस तरीका है, क्योंकि यहाँ पर 97.2% तक इसको आसानी से निकाला जा सकता है। और इसके ऊपर रिसर्च भी की जा रही है कि ताकि 99% इस फाइबर को इस कचरे में से निकाला सके और नए ब्लेड्स को डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल IITs की इस बड़ी रिसर्च के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।